हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बीस किचन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजस्थान की फेमस काचरी की चटनी। ये चटनी बहुत ही जल्दी और कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। अगर आपकी सिटी में काचरी मिलती है तो एक बार इस चटनी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज की ये रेसिपी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो काचरी की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम काचरी लिए। काचरी जो है वो देखने में कुंदरू और परवल जैसी दिखती है, लेकिन ये उससे टेस्ट में डिफरेंट होती है। इसका टेस्ट खट्टा होता है। तो हम यहाँ पर 200 ग्राम काचरी को काट लेंगे और स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। काचरी को काटते टाइम आप उसे टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि कुछ कुछ काचरी जो है वो कड़वी भी होती हैं। तो जो कड़वी हो उसे आप साइड में निकाल दें। तो काचरी की चटनी बनाने से पहले हम देख लेते हैं हमें उसमें किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम काचरी को छील लिया है। उसके बाद हम यहाँ लेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच राई के दाना, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हींग। इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम जो हमने काचरी काटी है उनको डाल देंगे। फिर छिली हुई लहसुन की कलियां उसमें डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और उसको पीस लेंगे। ये एक हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डाल के इसे गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई के दाने और 1/4 चम्मच हींग डालकर उसे तड़कने देंगे। जब हमारी ये तीनों चीज़ अच्छे से तड़क जाएंगे, इसके बाद इसमें हम जो हमने काचरी का मसाला प्रिपेयर किया था उसको डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर अच्छे से मिलाएंगे, नमक स्वाद अनुसार, और एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट सिमर करेंगे, या फिर जब तक जो ऑयल है वो काचरी से या चटनी से अलग नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी काचरी की चटनी रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करिए यम्मी काचरी की चटनी गर्मा गर्म चपाती के साथ। फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी। आप काचरी की चटनी को 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ लंच या डिनर में सर्व करें। अगर आप इस चटनी को बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।